नमस्कार, स्वागत है आपका नेट न्यूज 24 पर और मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। हमारे प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है और आज इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो परिचय की मोहताज नहीं है। नगर पालिका परिषद सरसावा से चेयरमैन वीरेंद्र मोगा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवालों को लेकर चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब आपका। धन्यवाद। आपके राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे शुरुआत हुई, पहला सवाल यही मेरा आपसे। मेरा राजनीतिक सफर की जो शुरुआत है उसका आधार मेरा परिवार है। जब से नगर पालिका नगर पंचायत सरसावा में है तब से कोई ना कोई सदस्य मेरे परिवार से उस बोर्ड में रहा है, चाहे मेरे बाबा जी के भाई रहे हों, चाहे मेरे बाबा जी रहे हों। मेरे बाबा जी सभासद चुने गए जब पूरी नगर पालिका में 9 सभासद होते थे और वो समय सभासद के साथ साथ वाइस चेयरमैन भी बोर्ड में रहे और उनके द्वारा एक समाज के अंदर इस नगर के विकास के साथ जो जो उन्होंने काम अपने वार्ड के अलावा पूरे नगर के लिए उन्हें बहुत उनका विशेष स्थान रहा। उन्हीं सब की पहचान को लेकर मेरे परिवार से सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि बढ़ती रही। मेरे चाचा जी रहे 89 में जब देश के अंदर प्रदेश के अंदर एक माहौल राम मंदिर को आंदोलन का था तो उन्होंने संघ से जुड़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया और उस हिस्से के साथ साथ उस आंदोलन में वो जेल भी गए। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उन्हीं के माध्यम से मैं संघ में जुड़ा और 89 से मैंने भी शाखा जाना शुरू किया। उस संघ के संशोधक के नाते मैंने अपना लंबी एक पारी संघ समाज के लिए मैंने अपने जीवन को लगाया है और संघ के विभिन्न दायित्व रहते पर मैं 1995 में सरसावा जो नगर है इसका नगर कार्य की जिम्मेदारी मेरे पास रही और उसके बाद जब संघ दृष्टि से अपने जिले की रचना हुई, अपना बेहट जिला बना तो उस जिले का मैं सह संपर्क प्रमुख रहा। उसके साथ साथ फिर मैं संपर्क प्रमुख बना, प्रचार प्रमुख रहा, शारीरिक प्रमुख रहा। संघ के विभिन्न दायित्व मैंने अपना सेवा देते हुए समाज के लिए राष्ट्र के लिए मैंने अपना काम किया और उसके बाद 2017 जब सरसावा नगर पालिका की सीट आरक्षण श्रेणी में आई तो मेरे इष्ट मित्रों ने, मेरे साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अब आपने बहुत लंबा समय अपने जीवन समाज के लिए लगाया, अब राजनीतिक क्षेत्र में आप आए और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। 2017 में आपने चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव आप जीते भी, फिर 5 साल पूरा होने जा रहा है कार्यकाल। इन 5 साल के कार्यकाल में आपने कितना विकास किया है सरसावा का क्षेत्र? विकास की बात तो मैं आपको कहूँ योगेश जी, जब मैं अपने साथियों के दम पर, अपनी भारतीय जनता पार्टी के दम पर, अपने मित्रों के दम पर और भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं, उन लोगों के मन पर जिन्होंने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर मुझे विजयी बनाकर इस नगर पालिका में पहुंचा, तो मैं आपको बताऊं विकास की बात तो यह है कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको पता है कि विकास की स्थिति थी। हमने एक नए आयाम यहाँ खड़े किए, विकास की नई गाथा हमने यहाँ लिखी है। और बताने की बात आपको मैं करूं, जब नगर पालिका परिषद सरसावा आज से पहले इतना समय आप मैंने अपना बिताया है, 5 साल लगभग बिता दिए, तो आज मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा विकास कराए गए विकास कार्य है वो अभूतपूर्व। अच्छा, जितने विकास की आप बात करते हैं धरातल पर कि इतने विकास की आपने कराए, उतने विकास क्या हो पाए हैं? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया से देखा जाए तो आप 5 साल पूरा होने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग लगातार विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे आप? उसको लेकर मेरा कहना है कि विकास जो हुआ है वो इस नगर में हुआ है, वो दिखाई देता है। अगर आप कल्पना करें, जब मैं नगर पालिका सरसावा चुना गया, हमारे यहाँ वैरागी घाट एक अंत्येष्टि स्थल है, उसको जाने वाला रास्ता उसमें गोड़ों गोड़ों तक गड्ढे घुसे हुए थे, पड़े हुए थे। मैंने बनते ही सबसे पहले उस रास्ते का निर्माण कराने का काम किया। रामनगर का रास्ता आप देखते हैं कि आज तक कभी उसे चौड़ा नहीं ख़त्म हुआ, वहाँ कभी पानी की समस्या ख़त्म नहीं हुई। वो रास्ता जब तक निकलते थे गंदगी से लोग निकलते थे। मैंने बनते ही सबसे पहले उस समस्या का निस्तारण मैंने किया। एक समस्या अतिक्रमण को लेकर रही, हमारे यहाँ हमारे कीर्ति स्तंभ है झंडा चौक, हमारे उन महापुरुषों ने जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है उनके नाम का कीर्ति स्तंभ वहाँ लगा। उसकी हालात आप देखते हैं उससे पहले क्या थी। आने वाले जनप्रतिनिधियों ने कहीं चिंता नहीं की कि वे जो कीर्ति स्तंभ है जिन महापुरुषों, जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व अर्पण देश के लिए किया है उनके उस कीर्ति स्तंभ की क्या स्थिति है। मैंने संकल्प लिया मैं उस कीर्ति स्तंभ को वो एक स्थान दिलाऊंगा जो वास्तव में स्थान होना चाहिए। और आप देख सकते हैं झंडा चौक क्या स्थिति क्या है, हमने उसे स्मारक के रूप में घोषित किया है। विकास की बात ले, हमने बनखंडी महादेव मंदिर हमारे ईस्ट देव वहाँ नगर पालिका परिषद सरसावा द्वारा एक भव्य हॉल का निर्माण हमने कराया है कि समाज
उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप सरसावा के अंदर जाम की बड़ी समस्या थी, सरसावा एक देहात जैसा लगता था। आज नगर पालिका परिषद सरसावा के द्वारा अपने पूरे बोर्ड के सहयोग से हमने एक भव्य डिवाइडर के रूप में, सुंदर लाइटिंग के रूप में, सुंदर पौधारोपण के रूप में हमने एक रास्ता एक दिया है कि लोग महसूस करें कि सरसावा बदला। यहाँ की एक जनभूत समस्या, एक मूलभूत समस्या शौचालयों की थी। आपने इस चीज़ें देखी होगी, आपसे पहले हमारे शौचालयों की क्या हालत थी, चाहे आप चिलकाना तिराहे वाला देख लें, चाहे थाने के सामने बस स्टैंड वाला देख लें, चाहे सरसावे किसी भी कोने में देख लें। हमने सरसावे के चारों ओर एक कॉम्प्लेक्स शौचालय का निर्माण कराया, क्योंकि आने वाले कस्बे के अंदर व्यक्ति को किसी की आवश्यकता, मूलभूत जरूरत है, एक वो उस जरूरत को महसूस करे तो उसे लगे कि साफ है या नहीं है। हमारी माताएँ आती हैं, हमारी बहनाएँ आती हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। हमने उस मूलभूत समस्या का, उस जड़ से बात करें, ऐसे शौचालय हमने बनाने का काम किया। हमारे द्वारा आपको और बताऊँ, महापुरुषों को लेकर भी हमने महापुरुषों को स्थान यहाँ दिया। अच्छा, आपने इस बस स्टैंड के पास कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की है, लेकिन आप ही की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, आप खुद नगर पालिका में ट्रिपल इंजन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बस स्टैंड एक बड़ी समस्या रही। यहाँ बस स्टैंड नहीं बन पाया, यहाँ पर एक जो बसें नहीं चल पाई, जो एक सरसावा सहारनपुर के लिए चलनी चाहिए थी, उसके लिए अगर आप चाहते तो प्रयास कर सकते थे, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि बस स्टैंड सरसावा होना चाहिए। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभूतपूर्व मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आरोप का विषय नहीं है, हमने काम किया, हम काम की बात करेंगे, पर बात होनी चाहिए। जो जो जगह इस तरह की जहाँ बस स्टैंड बन सकते हैं, उन चीज़ों को अस्वस्थ किया गया है, पूर्ववर्ती बातों में उन चीज़ों को अस्वस्थ किया गया है, उन चीज़ों को खुदमुद करके समाप्त कर दिया, जहाँ कभी संभावनाएं कभी बनने की थी कि हाँ बस स्टैंड बन सकता है। आज नगर पालिका के पास, क्योंकि इसके लिए जमीन की हो सकता है, इसके लिए फंड की हो सकता है, और मैं निश्चित रूप से बस स्टैंड बनाते, पर 2020 फरवरी के बाद पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी आई, उसने हमारी बहुत सारी योजनाओं को, हो सकता है कि सरकार की व्यवस्था चरमराई, लेकिन निश्चित रूप से हम यहाँ बस स्टैंड बनाते, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़ता, पर कोरोना जैसी एक समस्या आई जिसने पूरे विश्व को अस्वस्थ कर दिया, कहीं ना कहीं वही कारण रहा, नहीं तो चाहे कुछ भी रहा हो, हमारा पूर्ण प्रयास था, उसके लिए हम प्रयासरत थे, प्रयासरत हैं, बस स्टैंड हमारा जरूर बनता। आप ही ने कहा कि व्यवस्थाओं का कमी रही, बजट नहीं मिल पाया 2020 का जो कोरोना काल रहा, लेकिन आप ही के कार्यक्रम में आपके ही मंत्री दिनेश कटिक जी ने कहा था कि जितने भी जो है यहाँ से प्रोजेक्ट बनाकर भेजे, मैंने सरकार से बजट दिलाने का काम किया। देखिए, आप देख सकते हैं दो साल की इसी ढाई साल के अंतराल जब कोरोना चला, हमने सरसावे के अंदर अभूतपूर्व काम किया। आप महसूस करेंगे कि ये जो काम हुए, जो भी हमें हमारी पेयजल की योजना रही, हमने एक बहुत बड़ी योजना पेयजल की, कस्बे के अंदर पेयजल की समस्या, हमारा सीमा विस्तार क्षेत्र भी, हम सीमा विस्तार भी हमारे क्षेत्र में हुआ, पहला कस्बा था जिले के अंदर जिसका सीमा विस्तार हुआ, हमने पूर्ण मनोयोग से उसमें सीमा विस्तार कराया। उसके माध्यम से जो भी DPR हमने शासन को बना के दिया, वो DPR हमारे सुपुर्द हुए, चाहे वो पेयजल योजना का हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम योजना का हो, उसके लिए आप महसूस करिए रोड के ऊपर के अंधेरा दिखाई नहीं देगा आपको। हमने बनखंडी से लेकर पूरा अम्बाला रोड और पूरा नकुल रोड, हर जगह सोलर लाइटें दी, ये हम ही योजना है वो हमने शासन स्वीकृत कराई। आपने विकास की बात की, महापुरुषों के नाम पर आपने द्वार भी बनवाए, भगवानों के नाम पर द्वार बनवाए, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि ये भी नगर के विकास में काम हो जाना चाहिए था? ये प्रेरणा की बात तो कि मेरा जो मूल है, जिस मूल से मैं खड़ा हूँ, वो राष्ट्रीय संस्कृत है, तो वहाँ हमने हमेशा महापुरुषों का याद किया है, महापुरुषों को नमन किया है। तो जब जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व भारत माता के लिए अर्पण किया है, उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए, वही एक सोच मेरे मन में थी। उसी एक सोच ने मुझे ये प्रेरणा दी कि जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ अर्पण किया हो, उनके लिए भी स्थान इस नगर में होना चाहिए। उसी के निमित्त हमने देश के महान सपूत महाराणा प्रताप की स्मृति में एक महाराणा प्रताप द्वार का निर्माण कराया। जलियांवाला कांड जनरल डायर को मारने वाले शहीद ऊधम सिंह जी की स्मृति में हमने एक बहुत भव्य द्वार मोहल्ला हजारा में बनाया। भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनकी स्मृति में एक द्वार बनाया। कि एक संदेश जाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि उन महापुरुषों को भी हम नमन करें जिन्होंने इस देश के, इस समाज को रखने के लिए काम किया, उनके लिए कि मैं स्थान हम यहाँ बनाए, ये मेरे प्रेरणा से। वीरेंद्र जी, विकास की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर के आपने बताया कि कहीं जो है महापुरुषों के नाम पर आपने गेट दे दिए, लेकिन और अन्य ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि हमने विकास के लिए किए हैं और वो जनमानस तक उनकी सूचना जानी चाहिए?
हमने यहाँ सामाजिक स्तर के भी काम किए, हमारे यहाँ विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, उनके धार्मिक आयोजन होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, सभी लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। हमने चाहे यहाँ ब्राह्मण समाज हो उसके लिए धर्मशाला का सुंदरकरण का काम किया है, कश्यप समाज की धर्मशाला का निर्माण का कार्य किया है, हमने अपने रविदास मंदिर पर धर्मशाला निर्माण का कार्य किया है, हमने रामनगर के अंदर एक बरातघर का निर्माण का कार्य किया है, हमने हमारा एक पंप है उस पर हमने 1 करोड़ की लागत से एक बरातघर बनाने का निर्माण का हमने काम किया है कि उनका उपयोग समाज के सभी लोग किए कर सकें। हमने यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, चाहे सफाई व्यवस्था को लिए होगा, हमने उसके लिए नाला क्लीनिंग मशीन बनाने का मंगाने का काम किया, उसके लिए हमने जल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा क्षेत्र मला रोड में पड़ता है, कार्यक्रम रहते रहते हमने पानी के टैंकर पर्याप्त व्यवस्था में हमने उनकी व्यवस्था काम किया है, हमने नए नए टीपर नगर पालिका परिषद को की व्यवस्था हमारी सब क्लियर हो उसके लिए हमने काम किया है, कूड़े के निस्तारण के लिए MRF सेंटर निर्माण का काम हमने किया है कि कूड़ा निस्तारण हो, क्योंकि कूड़ा भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए एक MRF सेंटर का निर्माण भी हमने रायपुर रोड पर किया है। हमने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसके अंदर हमने काम ना किया, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र, सड़कों के निर्माण का काम हो, कोई वार्ड ऐसा हमारे यहाँ नहीं बचा जिसमें हमने अभूतपूर्व सड़कों का निर्माण ना किया, कोई समुदाय कोई विशेष ऐसा वर्ग नहीं है, हमने निष्पक्ष होकर काम किया है। ये कुर्सी सबकी है, आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक उम्मीद से आता है कि मैं अपने सरसावा के जनप्रतिनिधि के पास जाऊंगा, वो मेरी समस्या का समाधान करेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के लिए हमने उसका तत्काल उसका समाधान करने का प्रयास किया है, निष्पक्ष होकर काम किया है, कोई किसी तरह का भेदभाव हमने अपने उसमें नहीं रखा। हमने कहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी नीति के तहत हमने सरसावा नगर पालिका को चलाया, उसी नीति के तहत हमने सभी विकास कार्य, कोई ऐसा विकास कार्य नहीं रहा जो हमने जिसमें अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लिया हो, जो नगर पालिका द्वारा नहीं करा गया। अच्छा, हाल ही में आपने बोर्ड प्रस्ताव में जो है कई मोहल्लों के नाम बदलने का काम किया है, योगी जी की नाम बदलने वाली कार्यप्रणाली से प्रभावित थे या आपको लगता था कि नाम बदल लेंगे तो विकास हो जाएगा? नहीं नहीं, नाम विकास तो हम विकास का तो हम लगातार कर ही रहे हैं, विकास की तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। अगर विकास की वाली बात रही तो विकास तो हमने वो कराया कि पूर्वत में जो नहीं हुआ और जो भविष्य में भी नहीं होगा वो काम हमने यहाँ कराए हैं, वो काम मैंने बताया आपको, वो जमीन पर कराएं कहीं और नहीं कराएं, कागजों में काम नहीं कराएं, वो दिखाई देता है काम मेरा कराया हुआ। नाम बदलने वाली प्रणाली, नाम बदलने वाली प्रणाली नहीं है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी वो महत्वपूर्ण आवश्यकता भी थी, नाम बदलना नहीं, नाम को हमने उसको जो सही सही स्वरूप देने का हमने काम किया। आपने करोड़ों खर्च किए, विकास कराया, अंबाला रोड पर भी काफ़ी विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जितना विकास आप चाहते थे उतना हो गया या कुछ कमी रह गई, आप चाहते थे कि वो हो सकता था बेहतर? वो तो बहुत कुछ भी बेहतर था, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी हमारी देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर आई जिसने हमारी बहुत सारी योजनाओं को हमसे जो पूरी नहीं कर पाए, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, जितना भी समय हमें मिला और जितने भी हमें सहयोग मिला, चाहे मेरे पूरे बोर्ड का सहयोग हो, मेरे सभी बोर्ड के साथियों ने मेरा भरपूर सहयोग किया, उन्हीं के भरपूर सहयोग के कारण बहुत सारी योजनाएं हमने शासन से ली और बहुत सारे काम ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उनको हमने एक लोगों को एक आने वाली पीढ़ियों को आने वाले लोगों को एक संदेश देने का काम भी किया है कि इतने संकट में भी इतने खराब समय में भी हम इतने काम कर सकते हैं, जो अच्छा समय हो तो कितने काम कर सकते हैं, ये संदेश देने का हमने काम किया है और ये आपके सामने ही है सब चीज़ें। नगर की एक प्रमुख समस्या है जल निकासी की, करोड़ों खर्च कर आपने नालों के निर्माण कराए, काफ़ी जल समस्या का आपको लगता था कि निकासी की समस्याएं समाप्त हो जाएंगे लेकिन वो नहीं हो पाई, कहाँ कमी रह गई कि आपको लगता है कि वो कमी रह गई उससे हो सकता था? आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात तो वो नहीं करूँगा, ये जो समस्या जल निकासी समस्या बताई आपने, ये जल निकासी की समस्या मैंने वही कहना, पूर्वोत्तर लोगों ने जब जहाँ जो आपने महसूस किया होगा, पेट्रोल से चले आप थाने से चले, उसका पानी का ढलान पूरा माता वाली पुलिया तक है, भूत काल में वहाँ तालाब थे, जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने तालाब को समाप्त करने का काम कर दिया, उन पर अपने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली, वो पानी तो कहीं जाएगा, पर उसके बाद भी हमने मन से काम किया है, हमने बड़े बड़े नाले निर्माण का काम किया और आज आप महसूस करिए, आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के घरों में पानी घुसता था, आप वार्ड नंबर 16 की जाइए, जब तक उससे पहले मेरे कार्यकाल से पहले जब भी बरसात बरसती थी वो पूरा पानी बहकर उन लोगों के घरों में जाता था, उनके बेड तक में पानी घुस जाता था, नीचे से पानी जमीन से आकर उनके पूरा घर में पानी घुस जाता था, उसके बाद चाहे आप
वार्ड नंबर दो की तरफ आ जाइए, जहाँ टेम्पो स्टैंड के पीछे वाले एरिया, वहाँ पूरे गली में पानी, पूरे मोहल्लों में, घर घर में पानी भरता था। पर आज किसी के घर में एक बूंद पानी बरसात का नहीं जा सकता, क्योंकि हमने नाला निर्माण किया, हमने पुलिया निर्माण किया, उसके कारण वो पानी बरसता है, उसके द्वारा निकल जाता है। पर समस्या रही, क्योंकि उसका मूलभूत कारण लोगों ने वो तालाब छोड़े नहीं, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि हमारी जल निकासी की योजना, हमने वो शासन को एक और जल निकासी की योजना भेजी है। पर हमने जो किया उसमें बहुत बड़ी समस्या लोगों को निजात दिला पाए, जिन लोगों के घरों में पानी भरता था उससे निजात दिला पाए, थोड़ी समस्या रही है। भविष्य में चाहे ईश्वर ने चाहा तो उसे भी भविष्य में दूर करेंगे। नगर पालिका परिषद ससावा ने यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, जो देश की प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना सबका घर हो अपना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे नगर में चली। हमने उसमें घर घर जाकर जो उसके पात्र व्यक्ति थे उनको दिलाने का काम किया। अब तक मैं कहूँगा, मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरे जिले के अंदर सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास बने तो नगर पालिका परिषद ससावा में बने, कि हमने जो जरूरतमंद था उसका आवास दिलाने का काम किया। और जल निकासी की आपने एक बात बताई थी, उसी के तहत हमने अपने तीनों तालाब, चाहे टीचर कॉलोनी के पीछे वाला तालाब हो, चाहे रामनगर वाला तालाब हो, चाहे रायपुर रोड वाला, माझी रोड वाला तालाब, कभी किसने इनके बारे में नहीं सोचा। हमने शासन के द्वारा, इनकी विशेष योजनाओं के द्वारा, हमने इनका खुदाई का कार्य कराया और वहाँ बॉर्डर पिचिंग का कार्य कराया। हमने ही अपने ही समय में इस सब काम हमारे द्वारा कराए गए। सीसीटीवी का एक प्रस्ताव पास हुआ था, वो नगर में नहीं लग पाए। सीसीटीवी का प्रस्ताव नगर में पास हुआ था और बहुत जल्द हमने उसको, अभी शायद आप महसूस करेंगे, बहुत जल्द में वो लगने वाले हैं। एक बार फिर नगर निकाय के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, कभी शंखनाद हो सकता है, आपकी कैसी भूमिका रहने वाली है नगर निकाय चुनाव को लेकर के इस बार? भूमिका तो नेता की भूमिका हमेशा चुनाव लड़ने की रहती है। पार्टी संगठन का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे और इस नगर के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः इस नगर पालिका परिषद ससावा में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नगर पालिका परिषद ससावा में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र मोगा जी, जो नगर पालिका परिषद ससावा से चेयरमैन है। और अभी हाल ही में, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, शंखनाद होने वाला है, किसी भी वक्त शंखनाद हो सकता है, इन्होंने 5 साल में जो विकास कार्य कराए उनको लेकर के अपनी बातें रखी। चलिए, एक बार फिर नए किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपके, तब तक के लिए नमस्कार।